हाय फ्रेंड्स, देखंतु आपनको पई गुटे बहुत बड़ वैकेंसी आसी की पहुंची जाई छी NIACL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021। देखंतु एटा आपनकर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तरफ रु नोटिफिकेशन टी बाहरी की आसी छी एवं आपनकर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पई वैकेंसी बाहरी की आसी छी जों थेरे की बोथ मेल एवं फीमेल यहाको अप्लाई करि परिबे। तो वीडियो टी स्टार्ट करिया पूर्व आपन जदि चैनल रे नुवा आसी थांदी ताले चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एमती नुआ नुआ जॉब रो अपडेट्स पाइबापाई एवं वीडियो टी को गोटे लाइक कर दिंतु। तो आसंतु वीडियो टी स्टार्ट करिबा। देखंतु एटा आपनकर 24 अगस्त 2021 दिन नोटिफिकेशन टी पब्लिश करा जाई छी। देखंतु एहार ऑर्गेनाइजेशन नेम कोन रही छी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL एवं एहाकु ऑल ओडिशा कैंडिडेट मोथ मेल एवं फीमेल अप्लाई करि परिबे एवं आपनकर पोस्ट नेम रही छी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एवं देखंतु टोटल उपरे आपनकर 300 गोटी पोस्ट वैकेंसी बाहरी की आसी छी। देखंतु गोटे बहुत बड़ वैकेंसी से की पहुंची जाई छी तो आपन निश्चय एडाउ जे की अप्लाई करंतु। देखंतु आपनकर एप्लीकेशन मोड रही छी ऑनलाइन रे, आपनको ऑनलाइन रे अप्लाई करिया को पड़िबो। देखंतु एटा आपनकर 1 सेप्टेंबर 2021 रो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हे जाउ छी। सेहि परि आपनकर 21 सेप्टेंबर 2021 रे हारो लास्ट डेट रहू छी, या पूर्व रो आपनको अप्लाई करिया को पड़िबो। एवं आपनकर अक्टूबर मंथ रे फेज 1 एग्जाम होइबो एवं आपनकर नवंबर रे फेज 2 एग्जाम रहिबो। तो देखंतु वैकेंसी डिटेल्स कौन सब रही, आपणकर जनरल कैटेगरी 104 गोटी पोस्ट वैकेंसी बाहरी, से ओबीसी कैंडिडेट मानक 81 गोटी पोस्ट वैकेंसी बाहरी, ईडब्ल्यूएस 30 गोटी पोस्ट वैकेंसी बाहरी, एससी कैंडिडेट 46 गोटी पोस्ट वैकेंसी बाहरी, एसटी कैंडिडेट 22 गोटी पोस्ट वैकेंसी बाहरी एवं पीएच कैंडिडेट 17 गोटी पोस्ट वैकेंसी बाहरी। देखंतु एहारो एज लिमिट कौन सब रही, आपणको मिनिमम 21 एवं मैक्सिमम 30 वर्ष मध्यरे होइथिले आपण याको अप्लाई करिपरिबे। एवं आपण जदि एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होइथांते ताहाले आपणको भई एज रिलैक्सेशन मध्य रही छी। देखंतु यार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सब रही छी, आपण केवल गोटे ग्राजुएसन किंबा पोस्ट ग्राजुएसन करिथिबे मिनिमम 60% मार्क रखिकि पास करिथिले याको अप्लाई करिपरिबे। एवं आपण जदि एससी एसटी किंबा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होइथांदी ताहाले आपण केवल 55% मार्क रखिकि पास करिथिले याको अप्लाई करिपरिबे। देखंतु आपणकर प्रिलिम्स रे कौन सब आसिबो, आपणकर इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क आसिबो 20 मिनिट पई, सेहि परि आपणकर रिजनिंग एबिलिटी 35 मार्क आसिबो 20 मिनिट पई, सेहि परि आपणकर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 मार्क आसिबो 20 मिनिट पई। टोटल उपर आपणकर 100 मार्क एग्जाम हबो 60 मिनिट पई। सेहिपरि देखंतु आपणकर फेज 2 रे मेंस एग्जाम रहिबो जेटा कि आपणकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आसिबो, आपणकर रिजनिंग 50 मार्क आसिबो 40 मिनिट पई, इंग्लिश लैंग्वेज 50 मार्क 40 मिनिट पई, सेहिपरि आपणकर जनरल अवेयरनेस 50 मार्क 30 मिनिट पई, सेहिपरि आपणकर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क 40 मिनिट पई आसिबो। देखंतु ओवरऑल आपणकर 200 मार्क रे एग्जाम हबो 150 मिनिट पई। तापर आपणकर गोटे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हबो जेउं थरे कि आपणकर 30 मिनिट रो एग्जाम रहिबो 30 मार्क पई, एवं आपण सेइ थरे इंग्लिश लैंग्वेज रे लेखिबे जेउटा कि आपणकर लेटर राइटिंग रही छि 10 मार्क, एवं आपणकर एसे लेखिबे 20 मार्क रो। एवं देखंथो एटा आपणकर ऑनलाइन मोड रे एग्जाम रहिबो, तो आपण डेरी न करी कि जल्दी जाई के एटा को अप्लाई कर दियंतु। देखंतु एहारो एग्जामिनेशन सेंटर केउठी सब रही छी, आपणकर बालेश्वर ब्रह्मपुर गंजाम भुवनेश्वर कटक ढेंकानाल राउरकेला संबलपुर रे आपणकर एग्जामिनेशन सेंटर पड़िबो। एवं एहार एप्लीकेशन फी कौन रही छी, आपण जदि एससी एसटी किंबा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होइथांती ताहाले आपणको 100 टंका चार्जेस लागिबो, सेहिपरि आपण जदि जनरल ओबीसी किंबा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होइथांती ताहाले आपणको 750 टंका चार्जेस लागिबो। देखंतु मोहर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डी डाउनलोड करिके आपणको देखौ छी। देखंतु एटा होचे तार ऑफिशियल नोटिफिकेशन डी जेउटा को आपणको डाउनलोड करिके भलो भाबरे पढ़ी की तापरे जाई की आपण याको अप्लाई
करूँ। तो जदि भी किसी डाउट रहा आपत कमेंट बॉक्स रे निश्चय जनइबे। तो आम भिडियोटी को ये एंड करूचे।